अस्सलाम वालेकुम। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नेम है यूनिट टू द सेंसेस। वी हैव फाइव सेंसेस, दीज आर साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। हमारी फाइव सेंसेस हैं जो कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं चीज़ों को। हाउ डू वी यूज़ द सेंसेस, हम कैसे इन सेंसेस को यूज़ करते हैं, हम देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल साइट, ये देखें यहाँ पे एक बेबी है, वो देख रहा है इस इंसेक्ट को। साइट, वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आँखों से देखते हैं। वी कैन सी हाउ बिग और हाउ फार अवे समथिंग इज। वी कैन सी कलर्स एंड शेप्स, वी सी मोर क्लियरली व्हेन थिंग्स आर इन ब्राइट लाइट रादर देन इन डिम लाइट। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आँखों से जो चीज़ें देखते हैं उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ दूर है, हमसे कितनी दूर है। उसके अलावा हम डिफरेंट शेप्स जो सी हैं हम बता सकते हैं, ये वाली शेप है, ये सर्कल है, ये राउंड है, या ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है। उसके अलावा हम कलर्स भी बता सकते हैं, ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वाइट है या येलो है। उसके अलावा हम लोग क्लियरली तब उस वक्त चीज़ों को देख सकते हैं जब ब्राइट लाइट होती है, जब हमारे पास रोशनी ज़्यादा हो हम क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जब डिम लाइट होती है उस वक्त हमें चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। नेक्स्ट इज हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब होता है सुनना, हम जो जितनी भी चीज़ों को सुनते हैं वो सब हेयरिंग में आती हैं। वी हेयर साउंड्स विद आवर ईयर्स, हम कानों से सुनते हैं। वी कैन हेयर पीपल स्पीकिंग, वी कैन हेयर लाउड साउंड्स एंड सॉफ्ट साउंड्स, वी कैन हेयर साउंड्स दैट आर नियर अस एंड सम दैट आर फार अवे। हम लोग डिफरेंट पीपल्स की, हमारे जो मामा हैं या पापा हैं या जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, हमारे ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, हम उनकी आवाज़ें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके अलावा हम म्यूज़िक जो सा है वो भी सुनते हैं, और कुछ साउंड जो सी होती हैं वो लाउड होती हैं, कुछ कम जो होती हैं वो सॉफ्ट साउंड होती हैं। और हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं ये जो आवाज़ है वो कितनी दूर से आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्मेल। वी स्मेल विद आवर नोज, सम थिंग्स स्मेल प्लेजेंट, अदर्स स्मेल बैड और अनप्लेजेंट। हमारे पास जो स्मेल है, किसी भी चीज़ की स्मेल है, हमें डिफरेंट जो हम लोग फूड खाते हैं, फूड आइटम्स, हमें स्मेल से ही पता चल जाता है कि इस वक्त घर में क्या पक रहा है। तो हम नोज से ये स्मेल जो सी है, जितनी भी स्मेल्स हैं हम उनको सूंघ सकते हैं। और कुछ जो सी होती हैं स्मेल्स वो अच्छी होती हैं, जिस तरह के परफ्यूम्स की या डिफरेंट फ्लावर्स की, लेकिन बट कुछ जो सी होती हैं वो बैड और अनप्लेजेंट स्मेल्स होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग, वी कैन टेस्ट स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी फूड्स। हम लोग अपनी ज़ुबान से डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट हैं वो हम लोग लेते हैं। हमने अगर आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, हमें उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, या अगर हमारा दिल बिरयानी खाने का कर रहा है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, तो हम अपने टंग से ही डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं इनको डिफरेंशिएट करते हैं। उसके अलावा कुछ सॉल्टी होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, कुछ बिटर होते हैं, कुछ सोर होते हैं, तो हम अपनी टंग से ये डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टच। वी कैन टच एंड फील विद द स्किन ऑन आवर बॉडी। वी कैन फील इफ समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट, शार्प, रफ और स्मूथ, हॉट, वार्म और कोल्ड। हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हम बता सकते हैं ये चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके अलावा ये गर्म है या ये शार्प है, जैसा कि नाइफ़ है हम बता सकते हैं कि ये बहुत तेज़ है। ये इस वजह से टच करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास गर्म है, कौन सी चीज़ हमारे पास कोल्ड है, कौन सी रफ़ है या स्मूथ है।